तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट एजेक्स। एजेक्स क्या है पूरा डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। थोड़ा बहुत हम एग्जांपल भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे हम एजेक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम और ये पीडीएफ आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाउनलोड कर सकते हो आप। राइट, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एजेक्स। सबसे पहले एजेक्स है क्या, तो एजेक्स क्या है, एजेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, एजेक्स का फुल फॉर्म होता है ए फॉर असिंक्रोनस, जे फॉर जावा स्क्रिप्ट, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिए। सबसे पहला काम, एजेक्स का फुल फॉर्म होता है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। डन, तो अब आपको फुल फॉर्म पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं कि एजेक्स क्या करता है, एजेक्स का काम क्या होता है। तो एजेक्स अलाउ यू टू सेंड एंड रिसीव डेटा असिंक्रोनसली विदाउट रीलोडिंग द वेब पेज, सो इट इज द फास्ट। क्या कह रहे हैं हम कि एजेक्स हमें अलाउ कर देता है किसके लिए, डेटा को सेंड करने के लिए एंड डेटा को रिसीव करने के लिए असिंक्रोनसली। का मतलब क्या है, असिंक्रोनसली का मतलब है नॉन ब्लॉकिंग, बिना कोड को ब्लॉक किए हुए, बिना ब्लॉक किए हुए डेटा को रिसीव एंड सेंड करने के लिए हमें अलाउ कर देता है। ठीक है, और जिससे होता क्या है, हमारा पेज भी रीलोड नहीं होता है और हमारा एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट होता है। तो जे क्वेरी का मुद्दा एंड मतलब हमें पता चल गया कि क्या करता है। तो हमें यह क्या करता है, डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए अलाउ करता है पेज को बिना रीलोड किए। दो बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी, पेज को बिना रीलोड किए एंड असिंक्रोनसली डेटा को रिसीव एंड सेंड करने के लिए अलाउ करता है, जिससे हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है एजेक्स, तो एजेक्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट यह क्या है, बहुत सारे हमारे टेक्नोलॉजी का ग्रुप है। ठीक है, एजेक्स तो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो यह क्या है, एक ग्रुप है हमारे इंटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी। जैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का ग्रुप है, किस किस से मिल करके बनता है, किसके किसके साथ कम्युनिकेट करता है हमारा एजेक्स। तो पहले तो हमारा है HTML, XHTML, CSS, इन सारे का यूज करता है, डोम का भी यूज करता है, XML, जेसन नाम का जेसन का यूज करता है डेटा को क्वेरी करने के लिए। ठीक है, क्वेरी डेटा टू एंड फ्रॉम सर्वर, सर्वर से लेना है, सर्वर को देना है इन सारे डेटा का, तो वो भी काम एजेक्स कर लेता है। और कंटेन करता है XML HTTP रिक्वेस्ट को, यही सबसे इम्पोर्टेंट है एजेक्स के लिए। ठीक है, एजेक्स को हमें समझना है, या फिर एजेक्स का पूरा काम जो है ना हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट ही करता है। ठीक है, जैसे अब असिंक्रोनस कम्युनिकेशन करने का हुआ हमारा क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड के बीच में, तो यही करता है जो हमारा है यहाँ पर XML HTTP रिक्वेस्ट, यही कम्युनिकेट करता है हमारा क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड के बीच में बैठ करके। थोड़ा सा हम डायग्राम से इसको समझेंगे, तो पहले हम आ जाते हैं डायग्राम पे और फिर हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया हुआ है एजेक्स कैसे वर्क करता है, तो ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर जैसे कि आप अमेजोन की साइट पे गए, किसी भी आप साइट पर जाते हो, वहाँ पर कुछ सर्च करते हो या फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर डेटा चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट जो भी है, तो आप यहाँ से क्या करते हो कि रिक्वेस्ट करते हो, या फिर आप मान लो अमेजोन पे गए, आपको कोई भी पैंट सेट या फिर एनीथिंग कोई शूज ही लेना है, तो आपने सर्च किया वहाँ पर। ठीक है, तो अमेजोन की साइट पर आपने सर्च किया, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में हो आपने सर्च किया, तो वहाँ से क्या होती है, जो भी आपने सर्च किया तो वह जावा स्क्रिप्ट कॉल होती है। जावा स्क्रिप्ट कॉल होती है, वहाँ पर हमारा बीच में बैठा होता है HTML HTTP रिक्वेस्ट, यह हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है एजेक्स का, जो कि कम्युनिकेट करता है क्लाइंट साइड से। ये हमारा पूरा का पूरा एक क्लाइंट साइट है, ब्राउजर है, यहाँ पर हमारा वेब सर्वर है, मतलब सर्वर साइट है। तो क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइट, इसके बीच में हमारा बैठा होता है HTML HTTP, या फिर HTML रिक्वेस्ट, HTML HTTP रिक्वेस्ट। तो यह क्या करेगा, यहाँ पे जो भी हमने सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो जो भी हमने जावास्क्रिप्ट या कोई भी कॉल किया, तो यहाँ पर XML HTTP रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है वह क्या करेगा, उस डेटा को लेकर के सेंड करेगा हमारे वेब सर्वर को या फिर हमारे सर्वर साइट को, जहाँ पर हमारा कोड लिखा हुआ है PHP के अंदर, बहुत सारे PHP हो सकता है, या अभी जो हमारे सर्वर साइट लैंग्वेजेज होते हैं उसके अंदर बिजनेस लॉजिक है, वहाँ पर हमारा एनालाइज होगा उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का। तो उसके हिसाब से डेटा को हमें क्या करना है, जहाँ पर पूरा का पूरा डेटा रखा हुआ है, डेटा स्टोर हमारा फिजिकल डेटा, वहाँ से डेटा फेच होगा किसके हिसाब से, इस बिजनेस लॉजिक के हिसाब से, जिस प्रकार से
जो आपका रिक्वेस्ट होगा केवल आपको वही डेटा भेजेगा यहाँ से। तो यार उस पर्टिकुलर डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा हमारे डेटा स्टोर को। अब डेटा स्टोर हमारा क्या करेगा यहाँ पर, उसको उस पर्टिकुलर डेटा को रिटर्न कर देगा जिसके लिए इसने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था। अब हमारा चौथा प्रोसेस यहाँ से आएंगे बिजनेस लॉजिक के ऊपर। तो जो भी वह डेटा होगा वह डेटा एक्सएमएल के फॉर्म में हो सकता है, वह डेटा जेसन के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था जो दो तीन प्रकार से डेटा हम रख सकते हैं। तो अभी तो मोस्टली यूज हम जेसन का करते हैं, एक्सएमएल को तो सब भूल गए हैं, एक्सएमएल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो भी जेसन का डेटा होगा यहाँ पर वेब सर्वर बिजनेस लॉजिक के थ्रू भेज देगा हमको कहाँ पर, वापिस एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के पास, मतलब एजेक्स के पास। ठीक है, तो पहले यहाँ से हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया किसी भी पर्टिकुलर डेटा के लिए, एजेक्स ने उस डेटा को लेकर के सेंड कर दिया वेब सर्वर को। अभी वेब सर्वर ने उस थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि पर्टिकुलर डेटा मुझे चाहिए, उसने उस रिक्वेस्ट को भेजा हमारा डेटा स्टोर फिजिकल डेटा को। अब यहाँ से वह पर्टिकुलर डेटा आएगा किसके पास, सर्वर के पास। अभी सर्वर क्या कहाँ भेज देगा, एजेक्स के पास। अब एजेक्स उसको भेजेगा आपको एचटीएमएल सीएसएस की फॉर्म में जो कि आपको दिखता है। तो ये प्रोसेस होता है जहाँ पर हमारा मीडिएटर का काम करता है एजेक्स, एजेक्स के अंदर एचटीएमएल एचटीपी रिक्वेस्ट। तो अब आपको पता चला किस प्रकार से यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं एजेक्स को, एजेक्स रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, वेब सर्वर रिक्वेस्ट करता है फिजिकल डेटा डेटा स्टोर को, स्टोरेज को। अब यहाँ से डेटा मिलती है इसको सर्वर, सर्वर डेटा भेजता है हमारे एजेक्स को, एजेक्स हमें डेटा भेज देता है हमको। तो इस प्रकार से एग्जीक्यूशन होता है एजेक्स का, पूरा हायरार्की आपको पता चल गया है कैसे वर्क करता है हमारा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके आगे का, सिंक्रोनाइजर असिंक्रोनाइज में क्या डिफरेंट है, कितने ग्रुप का होता है, मतलब कितने टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करता है एजेक्स। हमने यहाँ पर देख लिया HTML CSS DOM XML JSON JavaScript, ये सारी चीजें को कलेक्ट करता है। अभी असिंक्रोनस का मतलब मैंने पता है, जहाँ पर हमारा कोड लाइन बाय लाइन नहीं होता है, ब्लॉकिंग नहीं होता है, ऑटोमेटिक चलता है। असिंक्रोनस रिक्वेस्ट डज नॉट ब्लॉक द क्लाइंट साइड या फिर ब्राउजर के रिस्पेक्टिव, मतलब यहाँ पर हमारा कोई भी ब्लॉकिंग नहीं होता है, ब्लॉकिंग कोड का नहीं होता है। ठीक है, एट द टाइम यूजर परफॉर्मेंस अनदर ऑपरेशन ऑल्सो इन सच केस जावास्क्रिप्ट इंजन ऑफ द ब्राउजर इज नॉट ब्लॉक। तो अगर कोई भी अदर ऑपरेशन भी हम करते हैं बैकग्राउंड के अंदर तो भी हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, ब्लॉक उसको नहीं करता। बट कि सिंक्रोनाइज का मतलब ब्लॉकिंग, या क्या करता है हमारे पेज को या फिर अदर ऑपरेशन हम करते हैं तो उसको ब्लॉक कर देता है, तो इसको फॉलो नहीं करता है हमारा असिंक्रोनस, मतलब कि एजेक्स। इसके अपोजिट वह किस किस मुद्दा को फॉलो करता है, किस अप्रोच को फॉलो करता है, असिंक्रोनस अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब हमारे को एग्जीक्यूशन को ब्लॉक भी नहीं करता है, सिंक्रोनस मतलब ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा असिंक्रोनस रिक्वेस्ट ब्लॉक द क्लाइंट अंटिल ऑपरेशन कंप्लीट, जब तक हमारा एक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक वह आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ब्राउजर इज अनरिस्पॉन्सिव इन सच केस जावास्क्रिप्ट इंजन ऑफ ब्राउजर इज ब्लॉक। तो इस केस में हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है ब्राउजर का वह ब्लॉक हो जाता है, किस केस में, सिंक्रोनस वाले केस के अंदर, इसलिए हम इसको असिंक्रोनस कहते हैं जावा एजेक्स वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारा क्लासिक वेब एप्लीकेशन होता है। तो इन दोनों में बस डिफरेंट इतना है, असिंक्रोनस मतलब नॉन ब्लॉकिंग और सिंक्रोनस मतलब ब्लॉकिंग, यह एक बार में एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जबकि यह हमारा असिंक्रोनस एक बार में मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, जबकि यहाँ पर हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो ये दोनों डिफरेंट पता चल गया होगा, वेरी गुड। अभी ये XML HTTP रिक्वेस्ट क्या है, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो कि हर एक ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ XML XML HTTP रिक्वेस्ट यूज फॉर द असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेट करने का काम करता है असिंक्रोनसली, मतलब बिना ब्लॉक किए हुए ऑपरेशन को, वह कौन करता है, XML HTTP रिक्वेस्ट। और यह है क्या, तो यह एक ऑब्जेक्ट है, इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ HTML XML HTTP रिक्वेस्ट। तो यह क्या क्या परफॉर्म करता है, तो डेटा को सेंड करता है हमारा क्लाइंट साइड में, एंड रिसीव भी करता है डेटा को फ्रॉम द सर्वर साइड से, सर्वर साइड को डेटा को रिसीव करता है एंड क्लाइंट साइड से डेटा को भेजता है, ये दोनों काम करता है, और अपडेट भी करता है हमारे वेब पेज को विदाउट रिलोडिंग। ये तीनों इंपॉर्टेंट्स वाले काम करता है हमारा कौन, XML HTTP रिक्वेस्ट यानी कि एजेक्स। एजेक्स ये तीनों काम हमारा करता है, डेटा को सेंड करने का, डेटा को रिसीव करने का, एंड वेब पेज में अपडेट करने का काम बिना रिलोड किए हुए। डन। और कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है,
जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, ऑन रेडी स्टेट चेंज, यह क्या डिफाइन करता है कि हमारा फंक्शन कॉल्ड होगा कब, जब हमारा रेडी स्टेट चेंज होगा, रेडी स्टेट प्रॉपर्टी हमारी चेंज होगी, ठीक है। फिर रेडी स्टेट क्या होता है, तो होल्ड द स्टेटस, ठीक है, ऑफ द एक्सएमएल एसटीपी रिक्वेस्ट, एक्सएमएल एसटीपी रिक्वेस्ट। तो यह क्या करता है, रेडी स्टेट क्या करता है, होल्ड करके रखता है हमारे जो ऑब्जेक्ट है ना, एक्सएमएल एसटीपी रिक्वेस्ट, इसके ऑब्जेक्ट के स्टेटस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। किस किस फेज में, 0, 1, 2, 3, 4 इन फेज के अंदर क्या करता है, उसके स्टेटस को वह स्टोर करता है या फिर समझो कैच करके रखता है। अब कौन सा फेज क्या बताता है, 0 इंडिकेट करता है कि रिक्वेस्ट अभी इनिशियलाइज्ड नहीं हुआ है, मतलब आपने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया है, उसका स्टेटस 0 है, अभी कोई भी रिक्वेस्ट आपने भेजा नहीं है, ठीक है। 1 का मतलब यह है कि सर्वर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजा है उसके लिए हमारा क्या हुआ है, सर्वर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, राइट। 2 का मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट जो है हमें मिल चुकी है, रिसीव हो चुकी है आपकी रिक्वेस्ट। जबकि थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 3 का मतलब है कि जो भी आपने रिक्वेस्ट दिया हुआ है वह प्रोसेस फेज के अंदर है, वह प्रोसेसिंग कर रही है। देन 4 का मतलब है जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजा है वह फिनिश हो चुकी है, रिस्पॉन्स भी रेडी हो चुका है। तो यह हमारा हो गया स्टेटस 0, 1, 2, 3, 4, जिसका यूज हम करेंगे अपने एजेक्स के कोड के अंदर, ठीक है। सेम ऐसे हमारा एक होता है रिस्पॉन्स टेक्स्ट, जो कि हमें रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, हमारे रिस्पॉन्स डेटा को एज ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारे रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है। और रिस्पॉन्स एक्सएमएल, यह एक्सएमएल के डेटा को रिटर्न करता है, जो भी हमारा डेटा रिस्पॉन्स होता है एक्सएमएल के डेटा को रिटर्न करता है। अब स्टेटस, यहाँ पर हमने देखा हुआ था रेडी स्टेट, अब हमें यहाँ पर देखना है स्टेटस क्या है। तो स्टेटस रिटर्न करता है स्टेटस नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के स्टेटस नंबर को रिटर्न करता है हमारा स्टेटस। तो कितने कितने नंबर होते हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए स्टेटस के लिए, पहले होता है हमारा 200, जिसका मतलब होता है ओके, हमारा स्टेटस क्या है रिक्वेस्ट का, ओके। एंड 403, इसका मतलब फॉरबिडन, मतलब नहीं मिला उसको। 404 का मतलब नॉट फाउंड। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कोड है हमारे स्टेटस कोड, जिसको हम कहते हैं। तो ये 3 स्टेटस कोड हमें याद रखने चाहिए। और इसके बाद स्टेटस टेक्स्ट क्या करता है, यह रिटर्न करता है हमारे स्टेटस टेक्स्ट को, जैसे ओके हुआ है, नॉट फाउंड हुआ, तो स्टेटस टेक्स्ट जो कि इसी के बेस पर होता है हमारा 200 और 404 के ऊपर स्टेटस टेक्स्ट। और कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड हमारे एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर, या फिर पहले एजेक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड क्या है, सबसे पहला वॉइड ओपन जो कि एक मेथड लेगा, और यूआरएल, यहाँ पर मेथड का मतलब होता है गेट या पोस्ट मेथड, 2 मेथड होते हैं, या तो आप गेट दे सकते हो या तो पोस्ट दे सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे हमारा ओपन मेथड, यूआरएल एंड असिंक्रोनाइज, असिंक्रोनाइज का मतलब है कि आपको असिंक्रोनसली रिक्वेस्ट ले मारना है या फिर सिंक्रोनाइज वाई, तो यहाँ पर हमेशा हम इसको ट्रू रखते हैं, क्योंकि हमें हमेशा जो भी रिक्वेस्ट मारते हैं वो असिंक्रोनस मारेंगे, कभी भी सिंक्रोनस रिक्वेस्ट नहीं मारेंगे, ठीक है। थर्ड होता है हमारा मेथड दे करके, यूआरएल दे करके, असिंक्रोनस एंड यूजर नेम पासवर्ड दे करके, ये सारे आर्गुमेंट दे करके भी हम रिक्वेस्ट मार सकते हैं अपने एजेक्स के लिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा सेंड मेथड होता है, जिसका यूज हम करते हैं रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए, अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग पास कर दूंगा तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और हेडर वैल्यू डाल करके भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी कैसे करता है एजेक्स वर्क हमने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, अब हम ये देखेंगे कि एक्सएमएल एसटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हम बनाते कैसे हैं, किस प्रकार से एक्सएमएल एसटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो अभी क्या है, जितने भी हमारे मॉडर्न ब्राउजर हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, सफारी है, ओपेरा है, इन सब के सब हमारे वेब ब्राउजर के पास बाय डिफॉल्ट एक्सएमएल एसटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता ही होता है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे एक्सएमएल एसटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, तो इस प्रकार से हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, फिर न्यू कीवर्ड डालेंगे, और उसके बाद अपना जो एक्सएमएल एसटीपी रिक्वेस्ट मेथड है उसको कॉल कर देंगे, देन तो एग्जांपल करके हम देखते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया XHTTP या फिर XHR, अपने वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर है तो हमें वेर कीवर्ड लगा देना है, तो हमने लगा देना वेर कीवर्ड, जिसके ये डिक्लेयर हो जाएगा कि हमने एक वेरिएबल बनाना है, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, एक्सएमएल एसटीटीपी। इस वेरिएबल के अंदर मैं जो क्या करना है, तो इस वेरिएबल के अंदर मुझे न्यू कीवर्ड की सहायता से मेमोरी बनानी है,
और इस ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल कर देना है जिससे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी हमने ऊपर मेथड देखे हैं वो सारे के सारे मेथड हम कॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस वेरिएबल। ठीक है, तो इस वेरिएबल का यूज करके इस ऑब्जेक्ट के हर एक मेथड को हम कॉल करेंगे जो कि हमने ऊपर ये सारे मेथड देखे हैं, सेंड है, ओपन है एंड रिक्वेस्ट मारने के लिए। जैसा कि हमने एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर एचटीएमएल ओपन किया, एचटीएमएल के अंदर बॉडी ओपन किया, इस बॉडी के अंदर मैंने एक ड्यू बनाया है, ड्यू का आईडी डाल दिया है डेमो, एक H1 के मैंने सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है, H1 के अंदर हमें मिल जाएगा XML HTTP रिक्वेस्ट दिख जाएगा, और कोई नहीं एक बटन बनाएंगे हम सिंपल, जो कि ऑन क्लिक करने पर जब भी आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक फंक्शन चलाना है लोड डॉक के नाम से। इस फंक्शन का डेफिनेशन हम नीचे लिखेंगे और हमारे बटन का नाम क्या होगा, चेंज कंटेंट। तो जब भी आप चेंज कंटेंट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस लोड वाले मेथड को चलाएंगे। अब लोड वाले मेथड में क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे हम इस लोड मेथड को डिक्लेयर करने के लिए। तो स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड की सहायता से इस लोड डॉक को फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। तो हमने बोला फंक्शन कीवर्ड, हमें एक फंक्शन बनाना है, हमारे फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, लोड डॉक। तो लोड डॉट फंक्शन हम बना रहे हैं और इसकी बॉडी के अंदर हम जैसे ही आएंगे हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं एक्स एच टी टी पी के नाम से। आप वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हो, आप बना दो एक्स एच आर, वासु, एनीथिंग। तो इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दे रहा हूँ, या फिर समझ लो इसका इंस्टेंस कर दे रहा हूँ। तो ये लाइन हमें लिखना ही लिखना है और एज इट इज लिखना है, बस यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम आप चेंज कर सकते हो, डन। तो इससे क्या होगा, हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस नाम से। तो अब इसी नाम का यूज हम करेंगे इसके हर एक मेथड को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल है उसका सहायता ले करके इसके हर एक मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। चलिए, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स एच टी टी पी। तो हमने बोला एक्स एच टी टी पी डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज। जब हमारा रेडी स्टेट कोई भी चेंज होता है तब हमें एक फंक्शन चलाना है। उस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ आइए देखते हैं। तो उस फंक्शन के अंदर हम बोल रहे हैं कि अगर दिस डॉट रेडी स्टेटस, अब रेडी स्टेटस क्या है, हमने ऊपर बात किया चार प्रकार से हम रेडी स्टेटस को कैलकुलेट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 का मतलब क्या था कि हमें रिक्वेस्ट को मिल भी गया है, रिस्पॉन्स भी हमने जनरेट कर दिया है। तो अगर हमारा रेडी स्टेट दिस का मतलब इस करंट एलिमेंट को टारगेट करेगा हमारा, तो अगर उसका रेडी स्टेट 4 के बराबर होता है एंड उसका स्टेटस जो है 2 0 0 होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ओके हमने अभी भी बात किया था 4 एंड 2 0 0 का मतलब क्या है, देखो 2 0 0 0 स्टेटस का मतलब ओके हमारा स्टेटस नंबर रिक्वेस्ट बिल्कुल कंप्लीट है, मिल चुका है। एंड 4 का मतलब क्या हमने बताया था, रिक्वेस्ट जो हमने भेजा था वह फिनिश हो चुका है, रिस्पॉन्स भी रेडी है। तो वही हमने दे दिया कि अगर हमारा यहाँ पर रेडी स्टेट चेंज, ये हमारा दिस डॉट रेडी स्टेट स्टेट 4 के बराबर है एंड स्टेटस जो है 200 के बराबर है, मतलब ओके है, तब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मतलब डोम, यही हमारा डोम होता है। तो डोम मतलब हमें क्या करना है, एलिमेंट को फाइंड करना है इस आईडी के द्वारा। तो जिसका भी आईडी डेमो हुए, तो डेमो हमने किसी ना किसी का आईडी यहाँ पर दिया होगा, ये देखो इस ड्यू का आईडी हमने दिया है ना यहाँ पर डेमो। तो हमने क्या बोला, जिसका भी आईडी डेमो हो उसके इनर एचटीएमएल में घुसो और उसके इनर एचटीएमएल में जा करके दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स, जो भी हमारा रिस्पॉन्स टेक्स होगा उसको डाल दो। अब ये दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स कहाँ से आएगा, तो ये रिस्पॉन्स टेक्स हमारा इस यूआरएल से आएगा जो कि भाई हम नीचे बात कर रहे हैं। तो फिलहाल ये हमें इतना लाइन समझ में आया, हमने सिंपल कुछ नहीं करना है, फिलहाल एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट कर देना है एक्सएमएल एचटीपी रिक्वेस्ट का। दूसरा हमें चेक कर लेना अगर हमारा रेडी स्टेट चेंज हुआ है तो हमें फंक्शन चला देना, उस फंक्शन के अंदर हमें तभी इस इनर एचटीएमएल में इसकी चेंज करना है जब उसका रेडी स्टेट 4 के बराबर हो एंड उसका स्टेटस जो है 200 के बराबर हो, तभी हमें क्या करना है, इस डेमो आईडी के इनर एचटीएमएल में जाना है, ये डेमो हमारा डेमो, इसके इनर एचटीएमएल में जाना है और क्या कर देना है, दिस डॉट रिस्पॉन्स को डाल देना है। तो ये हमने कर दिया इतना काम। तो अभी बस हमने क्या किया, इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है, अभी हमने रिक्वेस्ट को भेजा नहीं, ओपन नहीं किया। तो
तो रिक्वेस्ट को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल बनाया था HTTP वाला, जिसकी सहायता से हमने फंक्शन कॉल किया था, हम क्या करेंगे इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के लिए हमें इसके अंदर तीन आर्गुमेंट देना होगा, पहला गेट जो कि हमारा मेथड को डिक्लेयर करता है, दूसरा URL कि कहाँ से हमें डेटा को लाना है, तीसरा ट्रू हमें देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें असिंक्रोनसली रिक्वेस्ट को मारना है। ठीक है, तो असिंक्रोनस रिक्वेस्ट मारेंगे और इसके बाद हम इसको ओपन कर देंगे, और सिंपल इस ऑब्जेक्ट की सहायता से, वेरिएबल की सहायता से हम रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे। तो सेंड करने के लिए सेंड मेथड का यूज करेंगे। डन, तो हमने यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, और जैसे रिक्वेस्ट सेंड होगा, अगर 4 के बराबर हमारा रिक्वेस्ट हो जाता है स्टेटस उसका रेडी स्टेट, अगर रेडी स्टेट उसका 4 के बराबर और इसका स्टेटस 200 के बराबर हो जाता है, तो हम इसके इनर स्टेबल में जा करके चेंजिंग कर देंगे, दैट्स इट। ओके, इसके बंद हो जाएगा हमारा यहाँ पर बॉडी, बंद हो जाएगा HTML। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी फाइल है इसके अंदर हमें क्या रखना है। तो ये फाइल भी हमारी बनी होनी चाहिए फोल्डर के अंदर, तो इस फाइल को हमें बना देंगे। तो अब ये फाइल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वासप डॉट HTML बना दो या फिर टेक्स्ट TXT, कोई भी TXT फाइल बना दो। तो हमने TXT फाइल के अंदर ये चीजें डाल दिया है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, सिंपल सा पैराग्राफ लिख सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पर लिखे होंगे वह पूरी पूरी ये चीजें हमारे इसके इनर HTML में एड हो जाएंगी, दैट्स इट। तो इस प्रकार से हम जेसन डेटा, कोई भी डेटा हो, मैंने TXT डेटा को फेच किया है, सेम यहाँ पर हमारा एक जेसन की फाइल हो सकती है, तो जेसन की फाइल हमें मिल जाएगा। यहाँ पर XML की फाइल हो सकती है हमारी, तो XML की फाइल हो जाएगी। ये फाइल कोई भी हो, बस यहाँ पर उस फाइल का हमें पाथ दे देना है, वो हमें फैच होकर के मिल जाएगा। डन, तुमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, इसका भी इसी प्रकार से यूज कर सकते हो, दैट्स इट। तो बस ये PDF में डाल दूंगा, ये मैंने बूटस्ट्रैप ऐप का यूज करके एक एग्जाम्पल डाल दिया। तो ये एग्जाम्पल आपको करने की जरूरत नहीं है बहुत, ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया है, सिंटेक्स आपका क्लियर करा दिया है, किस प्रकार से हमारा चलता है, इंपॉर्टेंट इतना है ये ध्यान रखना आप लोग, जो कि हमने एक एक लाइन करके समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फाइल हो सकती है, जेसन की फाइल हो, XML की फाइल हो, TXT फाइल हो, एनीथिंग, कोई भी फाइल हो, उसकी डेटा हम यहाँ पर फेच कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये चीजें हमें याद रखना है, किस प्रकार से हमें इस्टेब्लिश करना है चीजें। डन, तो दैट्स इट, इतना रखते हैं।